दुनिया भर में मनाया गया 84वीं शिव जयंती का पर्व जन जन को पहुंचाया परमात्मा अवतरण का संदेश। राजधानी दिल्ली के लाल किला मैदान में पहुंची रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आबू रोड में ब्रह्मा कुमारी द्वारा लगाए गए 5 दिवसीय मेले का राजयोगी दादी रतन मोहिनी ने किया शुभारंभ। मुख्यालय शांतिवन पांडव भवन तथा ज्ञान सरोवर में देशी समेत विदेशों के साथ मनाई शिव जयंती। देश के कोने कोने में गुंजा शिव का संदेश। दिल्ली के सिविल लाइंस में केंद्रीय मंत्री गोपाल राय ने राजनिवास मार्ग पर शोभा यात्रा का किया स्वागत। पानीपत के ज्ञान मानसरोवर गुरुग्राम के ओआरसी में भी कार्यक्रम हुआ संपन्न। सच्चे अर्थों में शिवरात्रि मनाने का आह्वान। और आखिर में विदेशों में भी शिव की जयंती पर लेस्टर के हार्मनी हाउस में द्वादश ज्योतिर्लिंग की सजाई गई झांकी एवं कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली में परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करे विषय पर चर्चा। नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और मैं हूं शिवांगी। शिव भोलेनाथ के अवतरण का पर्व 84वीं शिव जयंती देश भर में धूमधाम के साथ मनाई गई। परमात्मा शिव के अवतरण के यादगार का ये पर्व ब्रह्मा कुमारी संस्थान के लाखों सदस्यों ने अलग ही रूप में मनाया है। देश की राजधानी दिल्ली का लाल किला मैदान भी शिव भक्तों से आध्यात्मिकता में डूब गया। संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन पांडव भवन एवं ज्ञान सरोवर में शिवरात्रि का अलग ही रंग देखने को मिला। शुरू करते हैं राजधानी दिल्ली से, जहां लाल किला मैदान में 84वीं शिव जयंती महोत्सव का बड़े पैमाने पर आयोजन हुआ, जहां बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विश्व शांति वसुधैव कुटुम्बकम एवं विश्व बंधुत्व की भावना मानवता को भारतीय दर्शन एवं संस्कृति की ही देन है, जो शिव और शिव की शक्तियों से जुड़ने से ही साकार हो सकती है। व्यक्ति से समस्त की ओर प्रस्थान करना ही एक जीवन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है, और ब्रह्मा कुमारी इस संस्था के माध्यम से इस उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है, इस संबंध में अब मेरा विश्वास पूरी तरह से पक्का हो चला है। आगे अपने संबोधन में कहा कि शिवरात्रि का पावन पर्व हमें सच्चाई और अच्छाई को अपनाकर असत्य बुराई एवं नकारात्मक तत्वों पर जीत पाने की प्रेरणा देती है। जाति और मजहबी संकीर्णताओं से ऊपर उठने की जरूरत है। यदि हम अपनी भारतीयता को स्थापित करना चाहते हैं और अपनी भारतीयता के प्रति हमारी आस्था है, तो जाति और मजहबी संकीर्णताओं से हम सबको ऊपर उठने की है की जरूरत है। और जिस दिन इन संकीर्णताओं से हम ऊपर उठ जाएंगे, भारत को विश्व के शिखर पर पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इस अवसर पर संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, गुरुग्राम में ओम शांति रिट्रीट सेंटर के निदेशक बीके आशा एवं वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके शिवानी ने भी महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में अपनी शुभाशाएं व्यक्त की। शिव ने ही काम को मारा था, शिव को कामारी कहते हैं। तो शिव परमात्मा निराकार, जिन्होंने भारत को देव भूमि बनाया था, वो ऐसी धर्म ग्लानी के समय आकर के काम विकार को नष्ट करवाते। परमात्मा कर्म विधान, लॉ ऑफ कर्मा, वो हम बच्चों को सिखलाते हैं। आत्मा में इतनी शक्ति है कि हम कलयुग को सतयुग में परिवर्तन कर सकते हैं। सिर्फ हमारे आलस्य और बहानों का त्याग आज करना होगा। इस दौरान जेबी पंत हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहित गुप्ता ने उपस्थित हजारों लोगों को बुराई छोड़ने का एवं सर्व के प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखते हुए सबको सुख देने की प्रतिज्ञा कराई। वहीं समागम को शिव की शक्ति 108 ब्रह्मा कुमारी बहनों ने सामूहिक राज्यों का अभ्यास कराते हुए विश्व शांति के लिए शक्तिशाली प्रकंपन फैलाए। अब सीधे चलते हैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, जहां सोशल एक्टिविटी ग्रुप के द्वारा आबू रोड में एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल के प्रांगण में 5 दिवसीय शिवरात्रि महोत्सव मेले का शुभारंभ संस्थान के संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर दादी जी ने बताया कि परमात्मा शिव का नाम ही कल्याणकारी है, क्योंकि वे सर्व मनुष्य आत्माओं का कल्याण करते हैं। जैसे परमात्मा पिता सर्व का रक्त
सर्व को सुख देने वाला, सर्व की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। ऐसे बाप के हम बच्चे भी सबकी सबके साथ ऐसा शुद्ध व्यवहार करें। कार्यक्रम में आए आबू रोड नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश सिंदल ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि हमें आबू रोड के लोगों की सेवा करने का अवसर मिला है। वहीं माधव विश्वविद्यालय के उपकुलपति संजीव ने कहा कि आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र ब्रह्म कुमारी संस्थान है, जहां आने से मानव के असली व्यक्तित्व का विकास होता है। आज इस मंच से कहने में मुझे कहीं संकोच नहीं कि जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में कार्य करने की शक्ति थोड़ी कम हो रही है या मेरे में मान लो पावर कम हो रहा है, तो मैं मेरी गाड़ी लेके और आश्रम में आता हूँ, एक चक्कर लगा देता हूँ और मुझे अपने आप ही यहाँ भगवान शिव की कृपा से अपने आप ही ऊर्जा मिलती है। सब शांति के उपासक हैं, हम सब मानते हैं कि शांति के सिवाय कोई और रास्ता हो नहीं सकता है। तब मुझे लगता है सबसे आशा की किरण हमें यहाँ मिलती है और यही सब कुछ मिलता है। शिवरात्रि महोत्सव पर बोलते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्था के मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष बीके करुणा ने परमात्मा अवतरण का संदेश देते हुए कहा कि स्वयं को परमात्मा से जोड़ें एवं जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। इस दौरान संस्था के कोषाधिकारी राजयोगिनी दादी यीशु, शांतिवन प्रबंधक बीके भोपाल, नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष नरगिस ने भी अपने विचार रखे। ईश्वरीय संदेश को प्राप्त करने के लिए इस महान तीर्थ में बहुत लोग आते रहेंगे, परंतु ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नहीं, सारे आबू के अब्बा के इस घर के सभी सदस्य, जो भी लोग सारे विश्व से यहाँ आएंगे, तो उनको ये ईश्वरीय संदेश देंगे। अभी आंखों से आंसू भी रहे, कभी कभी कोई की आता नहीं, बिल्कुल सदी में हंसते रहे, बाबा मिला, बाबा के बच्चे। आबू रोड शहरवासियों के लिए भी बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि ब्रह्मा कुमारी का मुख्य जो मुख्य कार्यालय या मुख्य स्थान बता दो, वो आबू रोड में स्थापित है। इससे हमारे आबू रोड के लिए बहुत गर्व की बात है। समारोह में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा ने परमात्मा शिव के अवतरण तथा उनके दिव्य कर्तव्यों के बारे में बताया। इस अवसर पर सोशल एक्टिविटी ग्रुप के अध्यक्ष बीके भरत, पार्षद कांतिलाल परिहार, स्थानीय स्कूल के प्राचार्य रमेश समेत अन्य कई बीके सदस्य उपस्थित थे। परमात्मा शिव का जन्म सो हम सभी आत्माओं का भी दिव्य अलौकिक जन्म, क्योंकि जब वो ज्ञान का प्रकाश इस संसार में फैलाते हैं तो उस ज्ञान से ही आत्मा की ज्योत जगती है। शांतिवन में महाशिव जयंती महोत्सव धूमधाम के साथ मनाई गई, जहां देश तथा विदेश से आए हजारों की संख्या में सदस्यों की उपस्थिति में संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासक राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, कोषाधिकारी राजयोगिनी दादी यीशु, महासचिव बीके निर्भय, ज्ञान सरोवर के निदेशक बीके डॉक्टर निर्मला, नॉर्थ अमेरिका के निदेशक बीके मोहिनी, यूरोप एवं मिडिल ईस्ट के निदेशक बीके जयंती, मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष बीके करुणा, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, कार्यक्रम प्रबंधिका बीके मुनि समेत विदेश के वरिष्ठ सदस्यों ने शिव ध्वजारोहण कर सभी को शुभकामनाएं दी। जैसे आज सुनते हुए कितना खुशियों में सब नाच रहे हैं, सदा ही सबके मुख पे खुशी रहे और सब एक दो को खुशियां ही बांटते रहे। 84वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती की समस्त ईश्वरी परिवार के भाई बहनों को, भारतवासियों को भी, विदेश के भाई बहनों को भी बहुत 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 कोटि कोटि मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इसी क्रम में प्रातःकाल कॉन्फ्रेंस हॉल के ग्राउंड में भी शिवरात्रि का कार्यक्रम भव्य रूप से मनाया गया। शिव ध्वजारोहण के बाद हजारों की संख्या में लोग परमात्मा शिव की यादों में डूबे नजर आए। आध्यात्मिक गीता और उमंग उत्साह का अलग नजारा दिखा। अब दिखाते हैं आपको माउंट आबू का नजारा, जहां एक तरफ पांडव भवन और दूसरी तरफ
ज्ञान सरोवर में महाशिव जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित हुए, जिसमें विदेश के भी कई वरिष्ठ बीके बहनों की विशेष मौजूदगी रही। देखिए ये खास तस्वीरें। दिल्ली में सिविल लाइन सेवा केंद्र के द्वारा विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सीआईएसएफ के सैकड़ों जवानों समेत सीआईएसएफ दिल्ली के असिस्टेंट कमांडेंट डॉक्टर रमन ने यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान शिव जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा में नुक्कड़ नाटक की विशेष प्रस्तुति रही, जिसे केंद्रीय मंत्री गोपाल राय ने खूब सराहा। राजनिवास मार्ग पर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री गोपाल राय को सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीरा ने ईश्वरी सौगात भेंट की। हरियाणा पानीपत के ज्ञान मान सरोवर स्थित दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस ऑडिटोरियम में 84वें शिव जयंती महोत्सव पर मुख्य रूप से आए जर्मनी में ब्रह्मा कुमारीज के निदेशिका बीके सुदेश एवं पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज ने अपनी शुभाशाएं व्यक्त की। इस अवसर पर पानीपत सर्किल प्रभारी बीके सरला एवं स्थानीय निदेशक बीके भारत भूषण भी उपस्थित रहे। हमारी आत्मा की ज्योत जगी है तो हमको दूसरों की भी ज्योत, अपनी ज्योत से जगी हुई ज्योत से ज्योत जगानी है। तो आप ज्योता वाली माता बन गए ना, जो माता है भाई बैठ गया। अगर तर्क वितर्क में पड़ेंगे तो वो कचरा बढ़ता ही चला जाएगा और आखिर में वो बदबू मारेगा, और जब इसको शरीर से बाहर निकाल देंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे। ये आपका जो विचार आज हमने नया मुझे दिया है, मैं इसको भी अपने मन में रखूंगा, अपने जीवन में उतारूंगा, ऐसा मैं प्रयास पूरा करूंगा। आगे पानीपत के डेल्को स्टेट वन में भी आयोजित हुए कार्यक्रम में पानीपत ग्रामीण के विधायक महिपाल ढांडा, एसएसपी सुमित कुमार, इंडस्ट्रियलिस्ट प्रशांत मित्तल, ज्ञान मान सरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के प्रभारी बीके कविता, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता ने शिव ध्वजारोहण कर सच्ची शिव जयंती मनाने का आह्वान किया। इस दौरान सभी अतिथियों ने अपनी शुभकामनाएं दी और संस्थान के सदस्यों ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य बताया। इस दौरान शहर में भव्य रूप से रैली का भी आयोजन रहा। हम क्यों पैदा हुए, हमारा मकसद क्या है, ऐसे अनेकों अनेक प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह मिशन लगातार काम कर रहा है। तो जब भी ब्रह्म कुमारी उसके फंक्शन में आने का मौका लगता है और यहाँ से जो बातें सीख के आदमी जाता है वो ना केवल कई दिन तक याद रखता है लेकिन चेष्टा ये रहती है कि उस पर बार बार आना। मन मना भाव मध्यादि भाव माम नमस्कुरु मत भक्तो भाव, ये श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, तू मन को मेरे में लगा। नवी मुंबई के सांतपाड़ा में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में ईश्वरी संदेश देते हुए रैली का आयोजन किया गया, जिसमें 400 से भी अधिक बीके भाई बहनों ने अपना सहयोग दिया। इस रैली में शिव और शंकर की झांकी शामिल रही। वहीं इस उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु गुंजन सलूजा, नगर सेविका वैजयंती भगत, वार्षिक सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला एवं स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके शुभांगी ने शिवरात्रि के उपलक्ष्य में अपने विचार व्यक्त किए। भौतिक जगत में साथ रहते हुए भी हमारी आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी अग्रसर होना चाहिए और उस परम उद्देश्य को कभी भी विस्मरण नहीं करना चाहिए। सबको स्नेह देना है, सबको आदर सत्कार देना है, सभी के साथ हर्षित मुख होकर बात करना है और सभी के गुणों को देखो। छत्तीसगढ़ के राज्यों में स्थित नवापारा में प्रतिवर्ष शिवरात्रि के पर्व पर 15 दिवसीय मेले व 7 दिवसीय संत समागम का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अनेक राष्ट्रीय संत व महामंडलेश्वर भाग लेते हैं। इसी कड़ी में राजिम सेवा केंद्र पर संत स्नेह मिलन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें वृंदावन से महामंडलेश्वर योगीराज नवलगिरी महाराज, अयोध्या से महामंडलेश्वर जालेश्वर स्वामी एवं जोधपुर से अक्री जी महाराज ने सेवा केंद्र पर शिरकत की। इस मौके पर संस्थान के धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण और स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा ने उन्हें संस्थान द्वारा की जा रही सेवाओं से अवगत कराया। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में स्थानीय लोगों के लिए शिवरात्रि के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर ओआरसी के निदेशक बीके आशा ने सभी को पर्व का आध्यात्मिक रहस्य बताया। सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा की संतान, इतनी सी बात जान करो और परमात्मा को याद करो।
अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। शिवरात्रि महापर्व का उत्साह देश के साथ विदेश में भी देखने को मिला। सबसे पहले चलते हैं लिस्टर के हार्मनी हाउस, जहां डांस, म्यूजिक, स्पिरिचुअल टॉक एवं मेडिटेशन सेशन कार्यक्रम के मुख्य केंद्र बिंदु थे। इस अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुकांति, बीके इंदु, बीके दीपिका एवं बीके बाबू भाई ने पर्व के आध्यात्मिक रहस्य को सभी के साथ साझा किया। कलयुग के अंतिम समय में परमात्मा का अवतरण होता है सृष्टि पर, तो अवतरण होने के बाद परमात्मा जो कर्तव्य करते हैं और उस कर्तव्य के यादगार के रूप में उनके नाम और ये जो 12 स्वयंभू ज्योतिर्लिंगम है, ये मना ये उसका यादगार और प्रतीक के रूप में है। आत्मा का लाइफस्टाइल, आत्मा की चाहना, आत्मा का जिसमें प्रगति है वह शांति। इस अवसर पर विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिव सरगम एंटरटेनमेंट्स के द्वारा शिव भजन, शिव महिमा और शिव आरती का आयोजन हुआ। वहीं बच्चों ने भी अपनी प्रस्तुतियों से परमपिता परमात्मा के गुणों और कर्तव्यों का वर्णन किया। पर्व के उपलक्ष्य में हार्मनी हाउस में द्वादश ज्योतिर्लिंग की झांकी भी सजाई गई, जिसका बड़ी संख्या में आगंतुकों ने अवलोकन किया। ऐसे ही आगे कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली में भी महाशिवरात्रि के पर्व पर एक्सपीरियंस गॉड्स प्रेजेंस विषय पर सिलिकॉन वैली में ब्रह्म कुमारीज के सेंटर कोऑर्डिनेटर बीके कुसुम ने सभा को संबोधित करते हुए पर्व का रहस्य उजागर किया। When you have the awareness of soul consciousness, then you will remain connected to supreme divine. कार्यक्रम का शुभारंभ शहर के गणमान्य अतिथियों के द्वारा दीप जलाकर एवं शिव ध्वजारोहण से हुआ, जिसके पश्चात अनेकानेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।